सलामी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर कराची पे। आप देख रहे हैं कि कराची का मौसम जो है दिन ब दिन बहुत अच्छा होता जा रहा है। शहरे कराची में रहने वाले आवाम हैं वो जो आज कोई भी मौका ज़ाया नहीं करते, और आप देख रहे हैं साहिल समंदर पर आ गए हैं हज़ारों की तादाद में। मैं आपको दिखाऊँ तो एक साहिली पट्टी है जिसको सीवियो कहते हैं, सीवियो के आगे किनारा है, उधर आकर बैठ गए हैं। समंदरी लहरों से महजूज हो रहे हैं, पूरा खूबसूरत मंजर है। आप सामने देख रहे होंगे तो पीछे समंदर नज़र आ रहा है, और जो पूरी फैमिलियाँ जो हैं यहाँ आई हुई हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, शाम का वक्त है, ये देख रहे हैं आप। पूरा जो है ना, ये आपको ये दीवार है, दीवार को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो जहाँ तक ये दीवार जा रही है, लोग जो है अपनी फैमिलियों के साथ आए हुए हैं और बड़ा मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है कराची में से दो चार दिन से जो है बारिश का सिलसिला वफ़े से जारी है। लोग जो है छुट्टी वाले दिन आए हैं और बहुत समंदर से जो है महजूज़ हो रहे हैं। और अभी मैं ओल्ड कैलिफ्टन की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ भी एक बहुत ज़्यादा रश है, इससे डबल ट्रिपल रश है। गाड़ियाँ जो है रोडों पर सड़कों खड़ी है, ट्रैफिक जाम है। बहुत अच्छा पूरा कराची जैसे लग रहा है, उमंड आया है। और इसकी वजह एक और भी है कि कराची में जो है 144 लगी हुई है साहिल समंदर पर, कि लोगों को एक ये सीवी वाला जो समंदर है ये खुला हुआ मिल रहा है, बाकी जो है वॉकवे वगैरह जो है वो सब बंद है। वहाँ जाने नहीं दे रहे शहरियों को, तो लोग ज़्यादातर यहाँ आए। चले हम आगे जाते हैं, समंदर को भी देखते हैं। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं समंदर पर, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो हैं पानी में भी उतरे हुए हैं, पानी में नहा रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। और ये देखें यहाँ जो है सीपियाँ भी आ चुकी है, और काफ़ी तादाद में सीपियाँ। हमने आपको पहले पिछले तकरीबन कुछ एक हफ्ता कबल एक सीपियाँ भी दिखाई थी आपको गोल्ड क्लिफ्टन एरिया की, तो वहाँ भी सीपियाँ काफ़ी तादाद में थी, और यहाँ जो है यहाँ भी सीपियाँ काफ़ी तादाद में आई है। इसका मतलब है कि पिछले दिनों जो सीपियाँ आई थी तो उनको उठाया नहीं गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल लोग जो है काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं और महसूस हो रहे हैं समुद्री लहरों से और हवा से। इस तरफ भी बच्चे जो हैं वो और लोग जो हैं वो भी आए, वो समंदर में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर भी और काफ़ी रश है। जून जुलाई में तो जो समंदर होता है इससे टकरा रहा होता है, मगर अब अगस्त शुरू हो गया है तो समंदर थोड़ा नॉर्मल हालत में है। वरना तो आपको यहाँ बैठते हैं तो यहाँ बैठने तक ही लहरें जो उठती हैं, तो ये दिख रहे हैं दीवार के ऊपर तक की ये लहरें उठती हैं, और अब ये नॉर्मल है। और लोग की बड़ी तादाद जो है यहाँ आई है सैर व तफरी के लिए। देखिए इधर भी लोग जो है काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं आपको सामने ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये देखिए यहाँ जो है लोग जो है सैकड़ों की तादाद में नहा रहे हैं, और बहुत आगे तक हैं लोग, आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी बहुत तादाद में लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँ और वहाँ जो है वहाँ दिखाऊँ मैं आपको। और मौसम जो है बहुत अच्छा है कराची का, और बहुत ही जो पिछले दिनों मौसम था बहुत गर्म था, रहना मुश्किल हो गया था लोगों का, लेकिन अब जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। दोस्तों मैं देखें करीब तो आ गया हूँ, मगर इतना करीब भी नहीं आया था यार। देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में लोग जो है नहा रहे हैं सीवियों पर, और जो है इंजॉय कर रहे हैं मौसम से। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ जो है। आप इधर देखें तो लोग जो है यहाँ भी, ये देखें यहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, मतलब देखिए पूरा रश है, पूरी हर जगह रश ही रश नज़र आ रहा है आपको। और ये देख रहे हैं लोग इधर भी, और बाकायदा एक साहब तो स्कूटर भी लेकर उधर गए हैं, और ये कहाँ से लाए समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो बड़ा उधर गाड़ी लाना तो मुश्किल है, और यहाँ तो जब जून जुलाई का मौसम होता है तो समंदर की लहरें जो है इस पूरी पट्टी से टकराती हैं, यहाँ तक पानी आता है। देखें लोग जो खड़े हैं ना, यहाँ तक उछल उछल की लहरें आती हैं। लेकिन ये भाई तो कमाल के निकले जिन्होंने स्कूटर भी इस साइल पर लेकर आ गए हैं, और अंदर इनकी इनको दाद देना पड़ेगी कि ये किस तरह ये गाड़ी को लेकर आए। और ये देखिए सर पूरा जो है लोग जो है मौसम का फुल एंजॉय हो रहे हैं। आप मुझे दें इजाज़त, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखते रहिए हमारे चैनल को अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।